आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोलकाता की, जहां लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के बाद पूरे देश में डॉक्टर्स में गुस्सा है। लेडी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या के विरोध में आज पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दिल्ली में 10 सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर केवल एक दिन की हड़ताल पर नहीं, बल्कि उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल से दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी देखने की बजाय धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज बंद रखा गया है। हालांकि अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश में इस घटना के बाद उबाल है। खासकर डॉक्टर्स अब अपनी सुरक्षा को लेकर या डॉक्टर्स इस घटना का विरोध जताने के लिए अब सड़कों पर आ चुके हैं अपना कामकाज छोड़कर। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स की मांग क्या है, आइए आपको ये बता देती हूँ। कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच हो। जो दूसरी मांग है डॉक्टर्स की वो ये है कि मुकदमे की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। इसके अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया जाए। जो मांग ये डॉक्टर्स रख रहे हैं उसमें यह भी शामिल है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट कमेटी का गठन हो, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल जारी हो, यानी अपनी सुरक्षा की मांग ये डॉक्टर्स सरकार के सामने रख रहे हैं। फिलहाल इस स्ट्राइक का देश में क्या असर पड़ रहा है वो आपको बताती हूं। दिल्ली समेत देश के सभी सरकारी अस्पतालों में आज स्ट्राइक का ऐलान है। आज अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी, जबकि ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी, लैब, सैंपल कलेक्शन की सेवा आज बंद रहेगी। ओपीडी, सर्जरी और लैब का कामकाज ज्यादातर रेजिडेंट डॉक्टर ही देखते हैं। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावित होना तय है, और इसीलिए सबसे बड़ी जो बात है या जो प्राथमिकता है वो ये कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को खत्म करवाया जाए, क्योंकि एक दिन की हड़ताल नहीं बल्कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा मुश्किल वाली बात है, जो मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर अपना कामकाज छोड़कर फिलहाल सड़कों पर बैठे हुए हैं। और उनकी मांग ये है कि जब तक उन्हें प्रोटेक्शन का प्रोटोकॉल नहीं मिल जाता है, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं पहुंच जाता है, तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, अनामिका गौड़ और ओंकार सरकार। अनामिका दिल्ली की तस्वीरें हमें दिखाएंगे और ओंकार हमें कोलकाता की तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले ओंकार आपके पास आ रही हूं, घटना चुकी कोलकाता की है, सबसे ज्यादा प्रभाव कोलकाता में ही पड़ रहा है, बताइए आज क्या परेशानी सामने आ रही है आम लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर जितने भी हैं, जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो सभी अभी यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और सभी का एक ही मांग है कि फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द ये पूरी घटना की जाँच किया जाए, इसके साथ साथ सीबीआई जाँच भी किया जाए। और उन लोगों का जो मांग था कि एमएसबीपी प्रिंसिपल सभी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो एमएसबीपी ने कल ही उनको इस्तीफा दे दिया था। आज सुबह में संदीप घोष, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का जो प्रिंसिपल है, उन्होंने भी आज इस्तीफा दे दिया है। तो आज क्या उन लोगों का डिमांड है वो जानने की कोशिश करेंगे कि आज प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये तो हमारा जो मूवमेंट है, इसका एक मांग था क्या प्रिंसिपल और एमएसबीपी और जो अथॉरिटी है उसका रेजिग्नेशन चाहिए हम लोगों को, क्योंकि दे आर वेरी मच फेलियर प्रोटेक्ट अस। एंड उनका जो समझ में आ रहा है वो ये कि इस्तीफे से तो बात बनने वाली है नहीं, डॉक्टर्स को अपनी सुरक्षा चाहिए, और वो सुरक्षा जब तक वो सरकार से हासिल नहीं करेंगे तब तक उनकी हड़ताल खत्म होने वाली है नहीं। अब अनामिका आप ही दिखाइए, सफदरजंग अस्पताल में आप मौजूद हैं, यहाँ तो लाखों मरीज एक दिन में आते हैं, फिलहाल क्या तस्वीरें, क्या परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? प्राची, हम इस समय सफदरजंग अस्पताल की ओपीडी सेक्शन के बाहर खड़े हैं, और तस्वीर हम आपको दिखा दें कि लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि सेकेंड शिफ्ट का जो पंजीकरण होना है, जो पर्ची मिलती है मरीजों को डॉक्टर को दिखाने के लिए, वो नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे हैं और मरीजों को इस समय निराश होकर यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। अमूमन यहाँ पे भीड़ होती है, सुबह से बहुत भीड़ थी, लेकिन अब देखिए जो मरीज है वो धीरे धीरे करके वापस अपने घरों की तरफ जाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सुबह
तरह से एक भी डॉक्टर ने इस समय इस अस्पताल में इन्हें नहीं देखा है। हालांकि जो हड़ताल है वो केवल रेजिडेंट डॉक्टर की है, कंसल्टेंट डॉक्टर्स मरीजों को देखेंगे, लेकिन कमी है डॉक्टर्स की। इस वजह से आप कब से यहाँ पे बैठे हुए? हमें तो एक घंटा हो गया, डॉक्टर उठ गए। उठ गए? नहीं देखा। डॉक्टर की हड़ताल है। आप कहाँ से आए हैं? नहीं देखा आपको डॉक्टर ने? क्या कहा जा रही है? ये भी कहा जा रहा है कि सेकंड शिफ्ट में भी नहीं देखेंगे। देखिए सफदरजंग में तो बाहरी भीड़ लगती है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, रेजिडेंट डॉक्टर के भरोसे स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो चलती है, लेकिन यही डॉक्टर जब हड़ताल पर बैठते हैं तो कैसे पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स होता है, उसकी तस्वीरें तो हम लगातार देख रहे हैं। शुक्रिया आपका नामिका और ओंकार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।